सुर्खियों में नजर आ रही है। और इस वक्त जो सुर्खियां सुर्खी जो सबसे पहले बनी है खबर की, वो खबर है जस्टिस बी एच लोया केस से जुड़ी। कल कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि इस मामले पर सियासत ना की जाए क्योंकि उनकी मौत नेचुरल थी। और ऐसे में मैं देख रहा हूँ, यानी कोर्ट का कहना था कि कोर्ट ये देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर जनहित याचिका दाखिल करने की एवज में या आड़ में लोग सियासत कर रहे हैं। सियासत जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं और अदालत को अखाड़ा बनाकर रख दिया है। कल उन्हें फटकार लगाई है जनहित याचिका दायर करने में, पीआईएल दाखिल करने में प्रशांत भूषण सहित दो और वकीलों को। कुल मिलाकर जो खबर सामने आई है एनबीटी के फ्रंट पेज पर, मैं आपको दिखाऊंगी सियासी फायदे के लिए केस किया, जजों को घेरा लोया मामले की जांच नहीं, ये कहा है कल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाले स्पेशल जज बी एच लोया की कथित संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज कर दी है। और कोर्ट ने कहा जस्टिस लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर दोबारा जांच के आदेश दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, जनहित याचिका न्याय दिलाने के लिए कारगर का हथियार है, लेकिन कुछ लोग पर्सनली और पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग ऐसा जनहित याचिकाएं दाखिल करते हैं उससे न्यायपालिका का समय खराब होता है और जहां पर न्याय देना चाहिए उस केस में देरी होती है। यानी कुल मिलाकर पीआईएल दाखिल करने से पहले 50 बार सोचें और ये सोचें कि आप इस मुद्दे पर सियासत ना करें। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि नेचुरल मौत थी जस्टिस लोया की, इस पर इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए और अगर बनाना है तो जाकर सियासी गलियारों में बनाइए, कोर्ट में कम से कम यहाँ पर सियासत और इसको सियासी अखाड़ा मत बनाइए। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है प्रशांत भूषण सहित दो और वकीलों को, साफ साफ कहा है कि इस केस की जांच एसआईटी से नहीं होगी क्योंकि एसआईटी जांच की मांग की जा रही थी। इसमें बीजेपी के कनेक्शन भी कहा जा रहा है क्योंकि अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में नाम सामने आया था और इस पर उनसे कई बार पूछताछ भी की जा चुकी है। तो इसके तार जो है विरोधी पार्टियां लगातार जोड़ रही हैं, बीजेपी से अमित शाह को घेरे में ले रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी मौत नेचुरल थी, एसआईटी जांच नहीं होगी और कृपया करके सियासत मत करिए, जहां करनी है वहां करिए, कोर्ट को अखाड़ा मत बनाइए। ये थी जस्टिस लोया से बड़ी खबर। अब बताते हैं आपको, दिल्ली में बिन बताए बिजली काटी तो कंपनी को भरना होगा हर्जाना। दिल्ली में अघोषित बिजली कटौती होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलेगा और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इससे संबंधित दिल्ली सरकार के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। खैर यहाँ पर तो लगता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल अब राहत की सांस लेंगे क्योंकि लगातार एलजी वर्सेस यहाँ पर सीएम देखा जाता है। माफी चाहूंगी, यहाँ पे जो उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री की लड़ाई हमेशा ही देखी जाती है। और बकायदा केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी फाइलों को कई बार रोका गया है, तो ऐसे में अनिल बैजल ने अब उनकी जो फाइल है उसको मंजूर कर लिया है। तो यहाँ पर तो लग रहा है कम से कम अब तो कुछ तकरार कम होती हुई नजर आ रही है। और पीक आवर में बिजली बचाओ, हर यूनिट पर मिलेगा ₹1। ये दिल्ली में महाकवरेज सामने आई है, एनबीटी के सेकेंड नंबर पेज पर है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब एनबीटी के एडिटोरियल की। कश्मीर की जवाबदेही, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान नागरिक मौतों में हुई भीषण बढ़ोतरी में देश के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। और जो डेटा सामने आए हैं 2016 के मुकाबले 2017 में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मरने वाले आम लोगों की संख्या 166.66 हो गई है। इसके अलावा आतंकवाद से ज्यादा है इस्लाम का डर, ये कहना है शिव प्रसाद जोशी का, जिनका आर्टिकल सामने आया है। उन्होंने कहा है जर्मनी में पिछले महीने नई गठबंधन सरकार बनी तो उसके गृहमंत्री होस्ट सीहोफेयर ने कह दिया कि इस्लाम का जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अमिताभ बच्चन का ट्वीट सामने आया है बेटियों की सुरक्षा पर, बेटियों के साथ जो भी हो रहा है इस पर चर्चा करने पर भी मुझे घिन आ रही है, इस बारे में मुझसे मत पूछो, ये बात करने में काफी भयावह है। अमिताभ बच्चन का ट्वीट है ये। और द इकोनॉमिक टाइम्स पे अब गौर करते हैं क्या है आर्थिक जगत की खबर। टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, नोटों की छपाई का काम तेज हो गया है। बीते दिनों देश में कैश की किल्लत देखी गई थी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश इंदौर, इसके अलावा और भी जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, साउथ इंडिया के राज्य हैं, वहाँ पर लगातार कैश की किल्लत देखी गई थी। और देश के कई लगभग 11 राज्यों में ऐसी कैश की किल्लत सामने आई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लोगों ने कहा था कि हमें नोटबंदी का दौर याद आ रहा है। अब बात करते हैं खेल जगत की। दुनिया ने
देखा गिल का खेल, नए घर में सुपर किंग्स का पहला मैच। इसके अलावा देख सकते हैं कल यहाँ पर कल गिल ने चमत्कार कर दिया है और उनकी पारी को लेकर एनबीटी ने यहाँ पर उन्हें इम्पोर्टेंस दी है। पंजाब ने हैदराबाद को सीजन में दिलाई पहली हार और नए घर में सुपर किंग्स का पहला मैच। चौके लगाने में भारतीय बल्लेबाज आगे और दिल्ली के खिलाड़ी हैं सबसे दमदार। इसके अलावा बात करेंगे 19 नंबर पेज की। देश जम्मू के वकील बोले हमारा मुद्दा कठुआ से अलग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजह जैसी भी हो प्रैक्टिस करना आपका अधिकार, हड़ताल करना नहीं। इसके अलावा बैक पेज की अगर बात करें, लंदन में मोदी की 10 बातें 2019 के दादे से कह रहे हैं, मैं 20 सालों से रोज 1-2 किलो गाली खाता हूँ और ये मेरी सेहत का राज है, पीएम मोदी ने बोला है ये बात। इसके अलावा बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर भी जज लोया की खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। यहाँ देख सकते हैं जज लोया की मौत की जांच नहीं और पीएचडी के सख्त नियम होंगे, फेसबुक चुनाव प्रभावित नहीं करेगा, लिखवा कर ले लें मार्क जकरबर्ग ने कहा है। और इसके अलावा नकदी समस्या आज खत्म हो जाएगी, कल बकायदा एसबीआई का ट्वीट सामने आया है। एसबीआई ने कहा है आज यानी 20 अप्रैल से एटीएम में पैसों की कमी नहीं होगी, तो ऐसे में लोग ना घबराएं। हिंदुस्तान के एडिटोरियल की अगर बात करें तो कृषि अर्थशास्त्र मानसून से आगे है। देवेंद्र शर्मा का आर्टिकल है स्मॉग से कहीं ज्यादा प्रदूषित है इस मौसम की हवा। वाकई बहुत ज्यादा प्रदूषित है क्योंकि मेरा भी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। और इसके अलावा बात करते हैं लोया मामले पर पूर्ण विराम, विवाद शायद अभी खत्म ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जस्टिस बृजगोपाल हरिकिशन लोया के मामले पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके अलावा थोड़ी सेहत की बात करते हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं रोगों से लड़ेंगे 5 प्राकृतिक लड़ाके और इन छिलकों में छुपी है सेहत। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर, हिंदुस्तान के पेज नंबर 11 पर। इसके अलावा थोड़ा महंगाई मीटर पे रुक करते हैं। पेज नंबर 13 पर है मसूर दाल सस्ती प्याज टमाटर महंगा। ये आप देख सकते हैं महंगाई मीटर बिजनेस पे आया है, बिजनेस पेज पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के। और विश्व पर जीडीपी के 2 गुने से ज्यादा कर्ज का बोझ है और विमान में वाईफाई का आनंद ले सकेंगे अब हवाई यात्री, यानी कि एविएशन की तरफ से ये बड़े खबर सामने आई है। और बात करते हैं अब उन्नाव कांड की। विधायक और रेप पीड़िता से कई घंटे पूछताछ की गई है और कल सीबीआई ने उन्नाव केस में अपनी जांच के दौरान गुरुवार को भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगा से और रेप पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों से अलग अलग घंटों में पूछताछ की है। जनहित याचिका को लेकर बीजेपी ने कल पलटवार किया है कांग्रेस पर। जनहित नहीं कांग्रेस हित की याचिका थी जो कल जस्टिस लोया की केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और पीआईएल दाखिल करने वालों को कहा है कि कृपया करके कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा बात करते हैं हम देश विदेश की। पेज नंबर 21 पर है संदेश 25 बार से ज्यादा फॉरवर्ड हुआ तो व्हाट्सएप बताएगा, ये बड़ी खबर आई है। आईफोन का पासवर्ड 6.5 मिनट में तोड़ना संभव है ये खबर सामने आई है। लेकिन अभी व्हाट्सएप की खबर आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अफवाहें फैल रही हैं कि 20 और 29 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान करने की अफवाहें फैली, मगर जिस संगठन के हवाले से संदेश भेजे गए उन्हें जानकारी नहीं है। और नोटबंदी के समय 2000 के नोट में जीपीएस ट्रैकर लगे होने की अफवाह उड़ी और संदेश अगर 25 बार से ज्यादा फॉरवर्ड होगा तो व्हाट्सएप आपको बता देगा कि आखिर कहां से फॉरवर्ड हो रहा है ये मैसेज। उत्तर कोरिया से बात बिगड़ी तो बैठक बीच में छोड़ दूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति। और प्रिंस चार्ल्स राष्ट्रमंडल समूह का नेतृत्व करेंगे कहना है एलिजाबेथ का। अब बात करते हैं जनसत्ता की। जनसत्ता के फ्रंट पेज पर भी आप जस्टिस लोया की ही खबर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोया की मौत स्वाभाविक, जांच की जरूरत नहीं है। बैसाखी पर पाक गई किरण वाला बन गई आमना बीबी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त नहीं कि लाभ पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ मॉडल आधार। और शेख हसीना से मिले नरेंद्र मोदी, कहा व्यापार निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा एनडीटी के माफी चाहूंगी जनसत्ता के एडिटोरियल की अगर बात की जाए तो आप पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं लोया घटनाक्रम बकायदा सिलसिलेवार तरीके से पब्लिश हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरी रिसर्च के साथ कि कब कब कौन कौन सा घटनाक्रम
केस से जुड़ा सामने आया है। इसके अलावा बात करते हैं एडिटोरियल की, कहीं आग का गोला ना बन जाए पृथ्वी, जिस तरह से प्रकृति नेचुरल डिजास्टर और चीजें देखने को मिल रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी जो है आग का गोला बन सकती है। इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को लेकर साझे स्वर को लेकर आर्टिकल सामने आया है और पारदर्शिता की खातिर बीसीसीआई को लेकर क्रिकेट पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जनसत्ता का सबरंग देख सकते हैं आप, दर्द से शुरू संघर्ष पर खत्म हुई दोस्ती। इसके अलावा आगरा की गलियों में इतिहास को खंगालता नौजवान। हम बात करते हैं नैनी भास्कर की, जज लोया की ही केस को लेकर फ्रंट पेज पर खबर है। सबसे बड़ी कल की खबर थी 19 अप्रैल की, जज लोया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है। इसके अलावा लोग मर रहे हैं लेकिन आप लोगों को विवाद सुलझाने की कोई जल्दी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिल्ली की जनता के प्रति जो अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। इसके अलावा सीएसके फैंस ने पूरे जाने के लिए एक दो कोच मांगे, टीम मैनेजमेंट ने पूरी ट्रेन बुक करा दी, साथ में रहना खाना और मैच टिकट भी फ्री। स्पोर्ट्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्रिस गेल ने आईपीएल में रिकॉर्ड 6 शतक बनाया और 104 रन की पारी में एक चौका मारा। और टॉस जीतो फील्डिंग करो, 8 टीमों ने 15 मैच खेले, सबने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की और ऐसा 11 साल में पहली बार हुआ। तो दर्शकों आज के अखबार की सुर्खियों में बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।